नमस्कार, आप देख रहे हैं YS न्यूज और बिल्लारी के थम लगाओ में। पति ने पत्नी को घर से निकाला, पत्नी परेशान। पत्नी ने आरोपी पति पर लगाए संगीन आरोप। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। पति पत्नी का रिश्ता इतना पवित्र होता है कि उस रिश्ते की कोई अगर मिसाल दी जाए वो भी बहुत कम होती है, लेकिन जब उसी रिश्ते में अगर दरार आने लगे तो उसे क्या कहिएगा। इसी बीच एक मेरे पास एक मामला आया बिलाड़ी थाने में। पति पत्नी का आपसी मामला है, लेकिन जब पति ही अगर पत्नी को छोड़ दे तो वो किसके सहारे रहेगी। आइए बात करते हैं, जानते हैं इनका पूरा क्या मामला है। जी क्या नाम है आपका? जी नाजमा। क्या क्या मामला है आपका पूरा? सर मैंने मोहब्बत से शादी करी थी, मेरा घर वाले ने भी मैंने भी अपने घर वालों के बिन मर्जी खिलाफ शादी करी थी। हमारा दोनों का एक बेटा है, पहले वाले पति से दो लड़कियां हैं मेरी। अब गिलो आपने शादी की थी, कब करी थी, कितने साल? 3 साल हो गए सर। 3 साल जी जी 3 साल हो गए। मुझे छुपा के धरते रहे अपने घर वालों से। जब मैं सामने पर्दाफाश करी तो अब मेरे संग बदमाश लगा दिए। अब वही पति मुझे रखने को मना कर रहा है। मेरा जेठ कह रहा है तूने क्या दहेज लाई है, गाड़ी लाई, पैसा दिया तेरे माँ को। क्या आपने इस मामले की शिकायत किसी उच्च अधिकारी थाने में किसी से की? जी मैंने करी, कई बार रिपोर्ट करी सर, मेरी की सुनवाई नहीं हुई। कहाँ कहाँ की आपने? बिलाड़ी थाने में की, कप्तान या कहीं? बिलाड़ी थाने में भी की थी और CM साहब के भी की थी मुरादाबाद, और सर नहाते भी की थी, बैठते हैं सवाद रोड पे, इनके पास भी की थी सर। अब अगर परेशान महिला किसी अधिकारी के पास जाए और सुनवाई नहीं हो तो उसके लिए आगे क्या विकल्प रहेगा? और इसी कड़ी में मैं भी और बात करता हूँ, महिला सभी अधिकारियों से अपनी गुहार लगा चुकी है, लेकिन गुहार लगाने के बाद भी महिला को सिर्फ आश्वासन के नाम पर आश्वासन ही आश्वासन दिया जा रहा है और कुछ नहीं मिल रहा है। और अभी और जी बताइए जी, कुंदर की थाने में जिस दिन करवा चौथ था मुझे मार के गया था, मेरे सर फाड़ गया था। जब भी मैंने एप्लीकेशन दी थी, डॉक्टरी भी हुई थी मेरी, उन लोगों ने भी कोई सुनवाई नहीं करी। मेरे बच्चे को कल इन लोगों ने, मैं गांव गई थी थाम ले तो इन लोगों ने पकड़ के मेरे बच्चे को भी फेंका, मेरी माँ के संग बदतमीजी। नाम क्या है आप आदमी का? सानू, बाप का नाम अखलाक सानू, कसाइयों में। अब मैं परेशान हूँ, कहाँ जाऊँ, मुझे कहीं रहने भी ना देता, मुझे धमकी देता। अभी कुंदर की 4 लोग लेकर पहुँचा बैन में। अब मैं इधर को भागी सर, मैं किसी के घर में भी छुपक जाती हूँ, उन्हें लोंडिया बेटी की गाली देता है। अब आप निष्कर्ष, आप क्या चाहती हो कि आपकी क्या कार्रवाई होनी चाहिए? जी सर इंसाफ चाहती हूँ, मेरा बच्चा, 2 बेटियाँ मुझे, मैं कहती भी ना रही। हर किसी लड़की के संग ऐसा होगा तो बताओ कहाँ जाएंगे हम, ये बताओ। हमारे माँ बाप गरीब हैं, हमें नहीं रख पाएंगे। हम 3 बच्चे हैं, हमारे 2 लड़की हमारे मेके में रह रही हैं, पहले वाले आदमी हमारे ख़त्म हो गए। अब इसे बेटे को लेकर मैं कहाँ जाऊँ? जहाँ एक तरफ BJP सरकार महिला औरतों को सुरक्षित रखने के दावे करती है, वहीं इस दावे की पोल पट्टी खोलती हुई ऐसा ही एक मामला सामने आया है। अब